नमस्कार, मैं हूं सौरभ। स्वर्णिम टाइम्स में आपका स्वागत है। अब घर बैठे करें बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी। जी हां, बिहार में प्रशासनिक सेवा का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान विज़न सिविल सर्विस सेंटर बंगाली टोला लहेरियासराय दरभंगा द्वारा ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत कर दी गई है। ऑनलाइन क्लासेज को लेकर डायरेक्टर अजय किशोर ने दी विस्तृत जानकारी। लॉकडाउन की परिस्थिति है, अनिश्चित सा लगता है। खास के शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान शायद 2-3 महीने तक ना ही खुले। ऐसी परिस्थिति में छात्र घर पर बैठ के कैसे अध्ययन करें, इस बारे में हमारे संस्थान ने एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की। ऑनलाइन क्लासेस जो दिया जा रहा है हमारे संस्थान के द्वारा, वो YouTube पर अपलोड किया जाता है। विज़न सिविल सर्विस सेंटर के नाम से YouTube है। उस पर पूरे बीपीएससी के होल सिलेबस 65 मेंस और 66 पीटी और मेंस दोनों विथ ऑप्शनल का कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज छात्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है। छात्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सारा देख सकते हैं, पूरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी घर बैठे ही गंभीरता से कर सकते हैं। कुछ क्लासेस फेसबुक पर भी दिया जा रहा है, लेकिन जो टोटल क्लासेस है वो YouTube पर दिया जाएगा। विज़न सिविल सर्विस सेंटर की YouTube पर के लिंक को आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारी क्लासेस आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेगा। ऑप्शनल का क्रमबद्ध रूप से क्लास मिलेगा, जीएसपीटी का क्रमबद्ध रूप से क्लास मिलेगा, जीएस मेंस का क्रमबद्ध रूप से क्लास मिलेगा। हमारी कोशिश है कि घर में बैठे रहकर ही छात्र बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करें और निर्णायक सफलता प्राप्त करें। इस संदर्भ में मैंने एक और प्रयास किया है कि हर एक वीक में एक लाइव क्लासेस अरेंज करा जाएगा, जिसमें छात्र प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उनको जो क्लासेस दी जा रही है उससे जुड़ी हुई समस्याएं हो, अगर कहीं समझ में ना आए, कोई परेशानी हो, तो उसके लिए लाइव क्लासेस में वो उसको दूर कर सकते हैं, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। या जो कोई मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर 65वीं मुख्य परीक्षा की, तो वो अपना आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं। इसके लिए भी हमारी टीम काम कर रही है। अगर आप प्रश्न का उत्तर, प्रश्न हमारी तरफ से दिया जाएगा, विज़न सिविल सर्विस सेंटर की तरफ से ऑप्शनल और जीएस का प्रश्न दिया जाएगा। आप उसको लिखेंगे, आपके आंसर में अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर त्रुटि होगी तो उस त्रुटि को बताया जाएगा और मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, जिससे कि आप बेहतर तरीके से परीक्षा में निर्णायक सफलता प्राप्त करने का को अंजाम दे सकेंगे। क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है। इस संदर्भ में मैं शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता को सुनाना चाहूंगा। गति प्रबल पैरों में पड़ी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, गति प्रबल पैरों में पड़ी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता बाम है, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता बाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। अगर हम चलेंगे तो हम निर्णायक सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए एक प्लानिंग वे में, एक स्पष्ट रणनीति बनाकर अगर हम तैयारी करेंगे तो घर बैठे भी हम निर्णायक सफलता प्राप्त कर सकेंगे।